हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अंकित शर्मा है। जैसा कि हमारा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू हो चुका है, तो आज मैं आपके साथ हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से संबंधित कुछ तथ्य साझा करना चाहता हूँ। दरअसल हमारा तिरंगा झंडा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसके अंदर 6 बार बदलाव हो चुका है। सबसे पहला तिरंगा झंडा, जो हमारा गैर आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज था, इसको सिस्टर निवेदिता जी, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी, उन्होंने सन 1904 में बनाया था। इस ध्वज के अंदर 3 रंग यूज किए गए थे, 3 रंग प्रयोग किए गए थे, जिसमें लाल रंग, पीला रंग और हरा रंग थे। बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस ध्वज को 1906 में कलकत्ता में सार्वजनिक किया गया। इसके बाद सन 1907 में, चूंकि यह एक गैर आधिकारिक ध्वज था, इसलिए सन 1907 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, वीडी सावरकर जी और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने मिलकर एक ध्वज का डिजाइन तैयार किया, जिसको तिरंगा ध्वज कहा गया। इसके अंदर 3 रंग थे, लाल, पीला, हरा, यही रंग थे, लेकिन इसके ऊपर एक कमल बना हुआ था, ऊपर वाली पट्टी में एक कमल बना हुआ था और बाकी पट्टियों में लाइन से 7 सितारे लगे हुए थे, 7 तारे थे, जिनको, जो कि सप्त ऋषि को दर्शाते थे। इस ध्वज को, हमारे भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज को, सन 1907 में 22 अगस्त 1907 को स्टटगार्ट जर्मनी में पहली बार मैडम भीकाजी कामा ने फहराया। अगर हम बात करें तीसरे बदलाव के बारे में, तो तीसरा बदलाव रहा हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, वो 1917 में एनी बेसेंट जी और बाल गंगाधर तिलक जी के साथ ने किया। दरअसल एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने एक झंडे का डिजाइन तैयार किया, जिसमें 4 हरी पट्टियां थी और 5 लाल पट्टियां थी। इसमें एक ऊपर यूनियन जैक बना हुआ था और 7 सितारे थे। इस ध्वज में सन 1921 में एक और बदलाव आया। 1921 में जो ध्वज तैयार किया गया, वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया। और इस ध्वज में सबसे ऊपर लाल रंग था, जो हिंदुओं के लिए था। दूसरा रंग हरा था, जो मुस्लिमों के लिए था। फिर गांधी जी के कहने पर इसमें एक सफ़ेद रंग जोड़ा गया बीच में सफ़ेद पट्टी जोड़ी गई, जिस जो कि सभी धर्मों के लिए थी, बाकी अन्य धर्मों के लिए थी। तो इस तरीके से ये 3 रंग का ध्वज बना, लाल, सफ़ेद और हरा। बीच में जो है, गांधी जी के कहने पर इसमें एक चरखा जो है रखा गया, जो चरखा का प्रयोग किया गया। इसके बाद सन 1931 में इसमें एक और बदलाव आया। दरअसल इसमें बदलाव आया क्या कि जो है, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने चरखे को हटा के इस जगह अशोक चक्र को जो है रखाया, अशोक चक्र को इसमें लगवाया है। दरअसल अशोक चक्र का रंग नीला है, और अगर हम रंगों की बात करें तो केसरिया रंग हमारे देश के सामर्थ्य को बताता है, ये देश के साहस को बताता है। सफ़ेद रंग देश की शांति को बताता है, हरा रंग देश की समृद्धि को बताता है, जो नीला रंग है चक्र का, यह हमारे देश की प्रगति को बताता है, हमारे देश निरंतर प्रगति पर है, इस चीज़ के बारे में बताता है। अगर हम बात करें तिरंगे के अनुपात के बारे में, तो ये 3:2 का है। हमारे राष्ट्रगान तिरंगे के बाद, अब हम बात करते हैं राष्ट्रगान के बारे में, तो दरअसल राष्ट्रगान जो है, जन गण मन अधिनायक जय हे, इसके रचयिता डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, और इसको आधिकारिक रूप से 52 सेकंड में गाया जाता है। इसका मूल रूप बांग्ला भाषा में था, इसके बाद इसका हिंदी संस्करण, जो हिंदी में है, इसको 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रगान माना गया। सबसे पहली बार यही हमारा राष्ट्रगान सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। अगर हम बात करें वंदे मातरम के बारे में, तो इसके रचयिता डॉक्टर बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, और ये वंदे मातरम हमारा स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित है। स्वदेशी आंदोलन में ये वंदे मातरम जो है गीत शीर्षक गीत था, और उस समय लाल बाल पाल, यानी लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये मुख्य नेतृत्वकर्ता थे स्वदेशी आंदोलन के। स्वदेशी आंदोलन के तहत हमारे देश के संसाधनों का यूज़ करना था, संसाधनों का प्रयोग करना था, विदेशी कपड़ों को, विदेशी वस्त्रों को प्रयोग ना करके हमारे जो है स्वदेशी वस्त्रों को धारण करना था।
अगर हम बात करें विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह लोकगीत हमारा श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने लिखा है। दरअसल अब इसके बाद हम बात करेंगे एक सुप्रसिद्ध गजल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप भी समझ रहे होंगे इसके रचयिता, कई बार लोग कहते हैं कि बिस्मिल जी हैं, तो आप भी यही समझ रहे होंगे कि इसके रचयिता शायद राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। जी नहीं, इसके रचयिता बिस्मिल अजीमाबादी जी हैं। दरअसल इनका पूरा नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था और यह गजल इन्होंने 1922 में लिखी। सबसे पहली बार ये गजल 1921 में सबाह नामक पत्रिका में प्रकाशित की गई। हम बात करना चाहते हैं एक बहुत ही सुप्रसिद्ध नारे के बारे में, जो है इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जो नारा है, इसको मौलाना हसरत मुहानी जी ने सन 1921 में लिखा। इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय भगत सिंह जी को जाता है। भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, तीनों को फांसी की सजा हुई थी असेंबली में बम फेंकने की वजह से। बाकी ये तथ्य जो मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत किया हूं, इनमें से बहुत सारे ऐसे तथ्य होंगे जो आपको पता होंगे, जो आप कुछ ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, तो मेरी कोशिश है कि आप तक लगभग लगभग तथ्य आप तक पहुंच जाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने निकट संबंधियों में, निकट दोस्तों को जिनको आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिए। आपकी ये वीडियो शेयर करने से और लोगों तक जानकारी पहुंचेगी और हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य है कि इस आज़ादी के इस अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज से, राष्ट्रीय गीत से, राष्ट्रीय गान से संबंधित बातें पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।